और आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर है वो बिहार से जुड़ी हुई। बिहार में सातवीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ आज नीतीश कुमार लेने वाले हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये कि आरजेडी इस समारोह का बॉयकॉट करेगी, नीतीश के शपथ समारोह में नहीं पहुंचेगी। एनडीए के विरुद्ध बदलाव का जनादेश, ये आरजेडी का कहना है और कहा है कि हम शपथ ग्रहण से दूरी बनाकर रखेंगे। अब कहा कि जनादेश को शासनादेश से बदल दिया, ये आरोप भी बड़ा लगा दिया है आरजेडी की तरफ से। एनडीए के फर्जीवाड़े से जनता में गुस्सा है, नाराजगी देखने को मिल रही है, लेकिन हम बिहार की जनता के साथ हैं। आपको याद होगा तेजस्वी यादव ने नतीजों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम अब जनता के फैसले के साथ हैं, जनता ने अपना प्यार आशीर्वाद हमें दिया है, लेकिन हाँ एनडीए की जीत हुई है लेकिन फैसला हमारे साथ, हम बिहार की जनता के साथ हैं। एक बार फिर से आरजेडी की तरफ से दोहराया गया है, कहा कि एनडीए के फर्जीवाड़े से अब जो बिहार की जनता है वो गुस्साई हुई है, गुस्से में है। शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, शपथ ग्रहण समारोह है। ऐसे में आरजेडी ने कहा है कि हम बॉयकॉट करेंगे इस शपथ ग्रहण समारोह का, क्योंकि बिहार की जनता के साथ धोखा हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ प्रिया सिंह न्यूज रूम से लाइव जुड़ गई है मेरी सहयोगी। प्रिया, आरजेडी से पहले भी बड़े आरोप लगा चुकी है और अब ये बड़ा आरोप एनडीए पर फर्जी है और सीधे तौर पर कह दिया कि हम तो बॉयकॉट करेंगे। बिल्कुल रचना, देखिए कि कहीं ना कहीं क्योंकि तेजस्वी यादव को ये लग रहा था कि इस बार महागठबंधन की सरकार आएगी और तमाम एग्जिट पोल, तमाम जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, तमाम वो जो राजनीतिक पंडित हैं, वो सब यही कह रहे थे कि इस बार बिहार में बदलाव की बयार है, लेकिन जब रिजल्ट आए, नतीजे आए तो ठीक इसके उलट आए। और कहीं तेजस्वी लगातार ये कहते रहे कि फर्जीवाड़ा हुआ है आरजेडी नेताओं की ओर से, बार बार ये ट्वीट कहा गया, बार बार इस तरीके की बयानबाजी की गई कि बीजेपी ने वहां पर घोटाला किया है, एनडीए ने जनता का जो जनादेश है उसके विरुद्ध जाकर ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है, इस तरीके के तमाम जो आरोप है वो लगाए गए थे आरजेडी की ओर से। और अब इसीलिए कहीं ना कहीं जो आरजेडी है अब इसका बायकॉट करे। और देखिए, एक के बाद एक उन्होंने ट्वीट किया है जो मैं बताना चाहूंगी। आरजेडी ने लिखा कि राजद शपथ ग्रहण का बायकॉट करती है, बदलाव जनादेश एनडीए के विरुद्ध है, जनादेश को शासनादेश से बदल दिया गया है, बिहार के बेरोजगारों, किसानों, संविदा कर्मियों, नियोजित शिक्षकों से पूछे कि उन पर क्या गुजर रही है, एनडीए के फर्जीवाड़े से जनता आक्रोशित है और हम जनप्रतिनिधि और जनता के साथ खड़े हैं। तो आरजेडी की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि ये जनता का जो जनादेश है वो ये नहीं है, ये एनडीए जोर जबरदस्ती के साथ सरकार बनाने जा रही है। और देखिए, इसके बाद एक और ट्वीट किया गया है जिसमें नीतीश कुमार पर तंज कसा गया है कि तीसरे दर्जे की पार्टी होने और थकने के कारण मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था, लेकिन बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने मेरे पैर पकड़ लिए, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, मैं ठहरा कोमल हृदय का कुर्सीवादी। रचना, मैं इस शब्द को फिर से दोहराना चाहूंगी, कोमल हृदय का कुर्सीवादी, अंतर्यामी भिक्षुक, उन लोगों के आग्रह ने मेरे हृदय को पिघला दिया। एक तरीके से चुटकी ली है आरजेडी ने और सीधे तौर पर कह दिया कि जनता की पसंद हम थे, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे भी हैं, जनता का प्यार आशीर्वाद मिला है, लेकिन जिस तरीके से एनडीए सरकार बना रही है बिहार में वो पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा है और बिहार की जनता में इसी बात का गुस्सा भी। नजर आप बना के रखिएगा प्रिया, इस बड़ी खबर से जुड़ा जो भी अपडेट होगा अपने दर्शकों तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। शाम 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह की सीधी तस्वीरें आप देख पाएंगे, लगातार मेगा कवरेज जारी है।